सो स्टूडेंट, इट इज केमिस्ट्री क्लास 11, कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। इसमें सबसे पहले आपको हम रसायन विज्ञान के क्लास 11 के सिलेबस को दिखाते हैं आपके। सो स्टूडेंट, यू लुक हियर, इट इज़ द सिलेबस ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री फॉर 2021। देखें, यहाँ पर चैप्टर वार दिया है। पहला चैप्टर आपके रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, तीसरा है तत्वों का क्लासिफिकेशन, गुणधर्म, और चौथा है रासायनिक बॉन्ड और द्रव्य की अवस्थाएं, उष्मागतिकी एंड इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कार्बनिक रसायन। और ये देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, पर्यावरणीय रसायन, ये लास्ट के हाइड्रोकार्बन और पर्यावरणीय रसायन, ये कोविड-19 के तहत इसको कम कर दिया गया है आपके सिलेबस से। और ये जो चैप्टर देख रहे हैं, इन चैप्टरों के कुछ टॉपिक भी हटाए गए हैं, इसको हम आपको बता देंगे जो भी जो टॉपिक हटाए गए हैं। तो इन टॉपिकों का आप लोगों को क्रमवार स्टडी करवाया जाएगा। तो आइए देखिए, पहला जो चैप्टर है आप लोगों का, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। देखें, इस पहले चैप्टर में जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो ग्रीन कलर से हमने कवर्ड किया है, बाकी ये रेड कलर वाले टॉपिक आपको कोविड-19 के तहत हटाए जा चुके हैं, करेक्ट। तो यूनिट 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ए फर्स्ट चैप्टर। देखें स्टूडेंट, रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अणुओं, परमाणुओं, उनकी संरचना, उनके संगठन, उनके तमाम होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। सो स्टूडेंट, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ नॉट ओनली वाइजफुल बट ऑल्सो अ इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट। विज्ञान की तमाम ब्रांचेस, शाखाओं में से एक रसायन विज्ञान का जन्म हुआ, जो कीमिया शब्द से रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, और यह लगभग 1300 से 1600 ईस्वी पूर्व से इसका विकास हुआ। पहले इसे औषध रसायन के रूप में जाना जाता था। पहले देखें, रसायन विज्ञान को रसायन शास्त्र या रस विज्ञान भी कहा जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई, तो उस खुदाई में तमाम जो वस्तुएं, बर्तन और तमाम धातुएं पाई गई, यह उस रसायन विज्ञान का द्योतक है। उस खुदाई में जो बर्तन मिले, उन पर जो पेंट हुआ था, जो मिट्टी के बर्तन, कुछ चूना, रेत, कैल्शियम कार्बोनेट, सीसा, सोना, चांदी, तांबा जैसे धातु प्राप्त हुए थे, तो ये धातुओं से ये मालूम चलता है कि रसायन का जन्म बहुत पहले से भी चला आ रहा है। जैसे जैसे मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए रिसर्च करते गए, तमाम वस्तुओं का रसायन का विकास होता चला गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का महत्व। देखिए, आज का जो आधुनिक जीवन है, यह कह लें तो पूरी तरह से रसायन पर ही आधारित है, क्योंकि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जहां पर हम रसायन पर निर्भर न हो। चाहे मानव जीवन की बात हो, चाहे मानव जीवन से हट करके तमाम क्षेत्रों की बात हो, जहां देखिए हर जगह रसायन का प्रयोग हो रहा है। रसायन आज किसी देश का एक आर्थिक व्यवस्था है।
जो देश को समृद्ध और विकास में सफलता प्राप्त कराता है। जानते हैं कि तमाम जो वस्तुएं हैं जिनका कि निर्माण रासायनिक पदार्थों से हुआ है, तमाम उद्योगों में रसायन का उपयोग होता चला आ रहा है। आजकल जो ये हम लोगों के कपड़े हैं, इन कपड़ों की जो रंगाई है, सूती वस्त्र, ये इनकी बनावट, इनकी सजावट, ये रसायनों से हुआ। तमाम धातुओं के निष्कर्षण में जो अम्ल, क्षार और लवण का हम प्रयोग करते हैं, यह रसायन ही है। पेट्रोलियम का शोधन जहाँ रसायनों से होता है, कांच, साबुन, कागज, कपड़ा, इन सब का निर्माण भी रासायनिक पदार्थों से हुआ। उर्वरक, खाद, तमाम प्रकार के विस्फोटकों, विस्फोटक का निर्माण रसायन से ही हुआ। तमाम जो रंग हैं, रंजक हैं और औषधियाँ, ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया और क्लोरीन जैसे जो पदार्थ हैं, तमाम बड़े बड़े उद्योगों में प्रयोग होते आ रहे हैं। और देश में जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उद्योग हैं जहाँ पर कि मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, जैसे पीतल, स्टील, ये सब किसके बनते हैं? आखिर लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, इन धातुओं से मिल करके ये मिश्र धातु बर्तन और बहुत से कलपुर्जे, मशीनरी बनाए जाते हैं। और जहाँ तक हमारे भोज्य पदार्थ की बात है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये क्या है? ये हमारे शरीर में उपयुक्त होने वाले भोजन के आवश्यक अवयव हैं जो रसायन से बने हैं। अब हमारा जो भोजन डाइजेशन होता है, वह पूरी व्यवस्था ही केमिकली है, रसायन पर आधारित है। तो ये रसायन विज्ञान के स्टूडेंट बहुत से महत्व हैं, कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं बचा जहाँ पर रसायन विज्ञान का प्रयोग न हो। तो इसके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंटों को नोट कर लें, रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंस जो हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, महत्व है। जीवन को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बनाने का काम रसायन विज्ञान के का ही देन है। देश की चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे देश के विकास की बात हो, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये जो पॉइंट हमने व्यक्त किया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका शॉर्ट स्क्रीन करके आराम से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। करेक्ट, ये है रसायन विज्ञान का महत्व। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो प्रीवियस कक्षा में आप जान चुके हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का बहुत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिनसे मिलकर के अणु बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं, इसके तीन मूल सूक्ष्मतम कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर बंद वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कण है, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी भी परमाणु का जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है उसका, वही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परंतु नवीनतम परिभाषा के मुताबिक कार्बन 12, कार्बन जो परमाणु होता है, कार्बन 12 के हिसाब से इसकी डिफिनेशन निम्नवत बताई गई है, लुक सीट।
देखें, पहले बताया गया कि ये बहुत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। परंतु वर्तमान परिभाषा जो होता है ये बोलता है कि किसी तत्व का जो परमाणु भार है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का जो एक परमाणु है कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। करेक्ट, जो यह व्यक्त करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ये आधुनिक डिफिनीशन है एटॉमिक मास का। करेक्ट, इसके आधार पर ये फार्मूला यहाँ पर है कि जिस भी तत्व का हमें एटॉमिक मास निकालना है उस तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अब बटे कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान, ये स्टूडेंट ये फार्मूला है। करेक्ट, उस तत्व का एक परमाणु का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, अब हम लोग कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग का इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। करेक्ट, यही हमारा एटॉमिक द्रव्यमान होता है। एटॉमिक द्रव्यमान यानी परमाणुक द्रव्यमान को की जो यूनिट होती है वो यू होती है या AMU बोलते हैं। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, इसको यू से भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास या अनयूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास इट इज यू। तो एक AMU में प्रयोगली यह देखा गया कि 1.67 × 10^-24 ग्राम होता है एक AMU। करेक्ट, इनके आधार पर हम लोग किसी भी परमाणु का एटॉमिक मास निकालते हैं। सॉल्व कर लें, और नेक्स्ट पॉइंट है, देखें ये है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। तो किसी भी अणु का जो आणविक द्रव्यमान है उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। कोई भी अणु लेंगे तो अणु में जो परमाणु होते हैं, परमाणु से ही अणु बना है, तो परमाणुओं का जो द्रव्यमानों का टोटल योग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। करेक्ट, तो यहाँ पर नोट करेंगे कि उस पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, आणविक द्रव्यमान होगा, उसमें जो उपस्थित तत्व हैं उन तत्वों का जो अलग अलग द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, टोटल योग ही उनका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दें, मेथेन CH4, मेथेन का आणविक द्रव्यमान यदि ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है CH4। तो CH4 में कार्बन है, आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, कार्बन का 1 अणु है, तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 4 का गुणा करिए, 4 × 4, तो 12 × 4 कितना हो गया, 16 यूनिट यू इसकी टोटल मॉलिक्यूलर मास आया मेथेन का। इसी प्रकार यदि वाटर का आपको निकालना हो मॉलिक्यूलर मास H2O, तो हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, तो 2 × 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 16, तो दोनों जोड़ेंगे तो H2O का मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान 18 यू निकल आया। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना। देखिए, किसी भी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में। तो कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसके 12 ग्राम में जितने भी टोटल कण मौजूद होते हैं उसी को 1 मोल कहते हैं, ठीक है। और या यह कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कुल 6.022 6.022 1
तीन गुणिते 10^24 कण पाए जाते हैं या इतने कण मौजूद होते हैं उसको वन मोल कहते हैं। तो लुक्स इट डिफिनीशन, तो देख लें किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 × 10³³ कण उपस्थित होते हैं उसे पदार्थ का एक मोल कहा जाता है या वन मोल कहा जाता है। करेक्ट, वन मोल कण का टोटल कणों की संख्या वन मोल में कितनी होती है, 6.02213 × 10³³ या 24 भी लिखते हैं, ठीक है। वन मोल में कणों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या एन ए से व्यक्त किया जाता है और एन ए में टोटल कितने कण होते हैं या एन ए की संख्या कितनी होती है, 6.02213 × 10³³ पर मोल। तो यही है मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है मोलर मास। देखें नेक्स्ट पॉइंट मोलर मास, मोलर द्रव्यमान क्या है। कोई भी पदार्थ है उसके वन मोल को यदि हम ग्राम में व्यक्त करें तो जो उसका द्रव्यमान होगा उसको हम लोग मोलर मास या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे H2O, H2O इसके आगे कुछ नहीं है तो वन ही माना जाएगा, यानी वन मोल H2O। तो वन मोल H2O का मोलर मास निकाल लें, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, अणु दो है, तो दो में एक का गुणा करेंगे, 2 + 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल जोड़ेंगे तो 18 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। तो H2O का मोलर मास कितना हो गया, 18। और मोलों की संख्या को हम N से व्यक्त करते हैं, N बराबर W/m होता है, फार्मूला है। W क्या है, यह जो पदार्थ है उस पदार्थ की कितनी ग्राम मात्रा ली गई है, W उसका भार है, जैसे H2O का जितना भार लेंगे। और नीचे जो कैपिटल M लिखा है मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास है जो अभी अभी आपने देखा। तो N बराबर W/m। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।